नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृताज हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बंद गोभी से बनने वाली एक ऐसी लाजवाब डिश, जो अगर आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो हर बार इसी तरह से बनाकर खाएंगे, और बच्चे तो पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये बंद गोभी से बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग रेसिपी। तो आज की जो रेसिपी है उसके लिए यहाँ पर मैंने 450 ग्राम के करीब बंद गोभी लिया, जिसे रफली कट कर लिया, और अब यहाँ पे मैंने इसको प्रेशर कुकर में रख लिया है। तो यहाँ पे हम प्रेशर कुकर में इसकी एक सीटी लेंगे हाई फ्लेम पे, और हाई बाद में हम तीन सीटियाँ लेने वाले हैं इसकी लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे मेरी पहली सीटी हो गई और इसी तरह से मैंने बाकी के तीन सीटियाँ भी कर ली हैं। अब यहाँ पे जब कुकर पूरी तरह से ठंडा हो गया, मैंने ये निकाल लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ। बस आप इस तरह से मसल लेंगे तो भी ये मैश हो रहा है, तो ऐसा आपका गोभी बंद गोभी पक जाना चाहिए। फिर इसको मैंने मिक्सर में डालकर धीरे धीरे घुमाते हुए एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है इसका। अब बढ़ते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर एक बड़ी चम्मच मैंने बटर लिया, दो बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है। आप बटर की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ तेल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा डाला है और एक बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसको अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे आधा मिनट के करीब मैंने मीडियम फ्लेम पे मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भून लिया। अब यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल लिया है। इसे करीब हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, तो ये जो है ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। फिर मैंने इसमें एक चुटकी के करीब हींग डाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी डाली है, और इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे कि हल्दी का जो कलर है वो अच्छी तरह से उतर आए। अब हल्दी भी अच्छी तरह से भून गई है, तो इसमें हम डाल लेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद भी हमें टमाटर पूरी तरह से गलने तक इसको मीडियम फ्लेम पे भूनते रहना है। अगर आपको जलने का चांसेस लगता है तो आप लो फ्लेम पे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीब 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे भूना और मेरे जो टमाटर है वो पक चुके हैं। अब इसमें सूखे मसाले डाल लेते हैं। तो इसमें मैंने एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला डाल लिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मसाले सूखे वाले हमने डाले हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे कि ये मसाले बिल्कुल जले ना। अब जब इसको आधा मिनट तक भूनने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से सूख गया, तो यहाँ पे मैं आधी कप के करीब फ्रोज़न मटर डाल रही हूँ। फ्रोज़न मटर जो है वो थोड़े से पहले ही पके हुए होते हैं तो वो ईज़िली पक जाते हैं, पर अगर आप फ्रोज़न ना यूज़ कर फ्रेश यूज़ कर रहे हों तो आप थोड़ा सा उनको पका कर ही फिर इसमें डालें। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मेरे जो मटर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए। तो अब जो हमने बनाकर रखा हुआ गोभी का पेस्ट है वो इसमें डाल लेते हैं। अब हमें मीडियम फ्लेम पे ये जो गोभी का पेस्ट है इसको अच्छी तरह से कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए पूरे 3 से 4 मिनट तक इसे भूनते रहना है। इस वजह से क्या होगा, इसमें का जो एक्स्ट्रा वाला जो पानी या मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से सूख जाएगा, और जो हमने मसाले इसमें डाले हुए हैं ऑलरेडी उसका फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें उतर कर आ जाएगा। तो 3 से 3.5 मिनट कम से कम आपको इसको भून लेना है। करीब 1.5 मिनट भूनने के बाद इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर और 1.5 मिनट में इसको भून लूँगी। तो यहाँ पे पूरा टोटल 3 मिनट मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब अगले मसाले डाल लेते हैं। अब यहाँ पे मेरी जो गोभी है वो अच्छी तरह से पक गई, तो ये जो है साइड पे कर हम यहाँ पे बीच में एक जगह बना लेंगे, जिसमें हम 1.5 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे और 1/2 बड़ी चम्मच घी डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल ली है और 1/2 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला। इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे। अब इस सब को हम अच्छी तरह से भून लेंगे तेल में, और ये जो भुना हुआ मिश्रण है पूरी तरह से गोभी वाले मिश्रण में हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब इस सब्ज़ी को खाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसी तरह से इसको गाढ़ा ही खा सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, या फिर आप चाहें तो इसमें करीब 1.5 कप पानी डाल सकते हैं जैसे मैं अभी डाल रही हूँ, और इसको पतला कर पाव भाजी जैसे खा सकते हैं। आप इसको जैसे पाव भाजी सर्व की जाती है बस उसी तरह से ऊपर से धनिया, बटर, थोड़ी प्याज, नींबू और ब्रेड या पाव के साथ सर्व कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।